गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमिता सेठ, वेलकम टू इन बीबी वन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द बुक विच स्टार्स, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट, विच इज रिटन बाय सुसान हिल। सो वी वर रीडिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन डैरी एंड मिस्टर लैम, हु बोथ वर फिजिकली चैलेंज पीपल, एंड बट द एटीट्यूड of looking towards a life was very much different. Mr. Lam was very much positive towards life, and Daddy simultaneously was very, very negative, and he hated to leave in the people. He didn't want to mix up with the people. So Mr. Lam actually, he was very curious to fill Daddy's life with positivity. But and Daddy also liked to conversate with Mr. Lam, because he was thinking that he was learning many things of actually what life is. There was no one who motivated Daddy regarding life, so he was actually very much impressed while talking with Mr. Lam. So let's see what is in the next part of the chapter. Daddy, they talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What is going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world, looking like that, with that on his face? That's what they say. So Daddy ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब जब अपने घर में नहीं होता हूँ तो मेरे पीछे से मतलब लोग बातें करते हैं, जब मैं उनके सामने नहीं होता हूँ तो मेरे पीछे से मेरे घर वाले बातें करते हैं कि मेरी लाइफ का क्या होने वाला है, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मैं इस वर्ल्ड में मतलब कैसे आगे जीऊँगा, और ये सारी चीज़ मतलब जिस तरह का वो फेस है, उसका हाफ बंट फेस है, वो कैसे आगे सर्वाइव कर पाएगा इस फेस के साथ, ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं। लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स, टू लेग्स एंड आईज, एंड यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन। सो मिस्टर लैम बोलते हैं कि भगवान, लड़के तुमको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, आईज हैं, तुम्हारे पास ईयर्स हैं, टंग है, ब्रेन है, सारी कुछ तुम्हारे पास में चीज़ें हैं जो एक लिविंग क्रिएचर को इनफ है जीने के लिए। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट लाइक ऑल द रेस्ट। सो तुम जैसा जीना चाहते हो, जो दुनिया में करना चाहते हो, जैसे दूसरे नॉर्मल पीपल करते हैं, तुम भी कर सकते हो। एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। सो अगर तुम अपना माइंड सेटअप कर लो तो दूसरे इंसानों से भी ज़्यादा तुम बेटर कर सकते हो। डैडी, हाउ? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू। सो डैडी बोलते, कैसे करूँ? जैसे कि मैं करता हूँ। डैडी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स। डैडी, बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। सो मिस्टर लैम बोलते, मेरे 100 फ्रेंड्स हैं, लेकिन डैडी बोलते हैं कि लेकिन इतने बड़े हाउस में तो आप अकेले रहते हैं। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स एंड फॉर टॉफी, आई मेक टॉफी विथ हनी, एनीबडी कम्स, सो हैव यू। सो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं मेरे, चाहे इस घर में मेरे साथ नहीं रहते, हमेशा आप देखेंगे कि सारी जगह मेरे फ्रेंड्स हैं, पीपल मुझसे मिलने आते हैं, सारे लोग मुझे जानते हैं, ये गेट हमेशा ओपन रहता है लोगों के लिए, वो यहाँ आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, कई बार तो फायरप्लेस पे विंटर्स में मेरे साथ बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं एप्पल्स और पियर्स को लेने के लिए एंड फॉर द टॉफ़ी ऑल्सो, और जो मिस्टर लैम है वो हनी की टॉफ़ी बनाकर उनको देते हैं, तो कोई भी आ सकता है मेरे इस घर में, मेरे इस गेट से, जैसे कि तुम आए। डैडी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। तो डैडी कहते हैं, मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हूँ? मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बिल्कुल तुम मेरे फ्रेंड क्यों नहीं है? श्योरली, सर्टेनली मीन्स श्योरली, यू आर माई फ्रेंड एज फार एज आई एम कंसर्न, वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? सो इतनी देर हो गई हम दोनों कन्वर्सेट कर रहे हैं, जितना मुझे लग रहा है मैं ऐसा सोच नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड क्यों नहीं हो सकते। डैडी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़। सो डैडी बोलते हैं, आप तो जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इवन आप तो मेरा नाम तक भी नहीं जानते, सो आप मुझे फ्रेंड कैसे कह सकते हैं?
Mr. Lam, why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? So Mr. Lam बोलते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम्हारा नाम नहीं जानता, ये सब जानना, ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ही क्या मैं तुम्हारे फ्रेंडशिप के या तुम मेरी फ्रेंडशिप के काबिल हो सकते हो क्या? डैनी, आई सपोज नॉट. सो डैनी बोला नहीं, मैं नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ. मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज एंड नॉट इफ़ यू डिडंट. सो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है, नाम बताना है, अपने बारे में बताना है, नहीं बताना, इट्स अप टू यू. डैनी, ओनली इट्स डायरेक, बट आई हेट दैट. सो उसने बताया मेरा नाम डैरी है, लेकिन ये डैरिक है, लेकिन मुझे ये नाम डैरिक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम डैरी ही बोलो. इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट. तो अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो मुझे डैरिक नहीं डैरी बोलोगे. मिस्टर लैम, सर्टनली. सो मिस्टर लैम बोलते हैं श्योर. आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड. तो उन्होंने बोला हो सकता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोलता है कि मैं वापस ना आऊँ या हम वापस कभी ना मिलें, फिर भी क्या हम हमेशा फ्रेंड रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते. क्यों होंगे हम फ्रेंड? मिस्टर लैम, व्हाई नॉट, हाउ कुड आई? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम, बट यू नेवर सी दैम अगेन. इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. सो मिस्टर लैम बोलते क्यों हम फ्रेंड नहीं रह सकते? डैडी ने बोला कि आप बहुत सारे लोगों को रास्ते में मिलते हैं, आप उनसे बातें करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. मिस्टर लैम, डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट? सो मिस्टर लैम बोलते हैं लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि वो मेरे दुश्मन है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरे दुश्मन है? डैडी, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल. सो डैडी बोलते हैं नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं है, ना फ्रेंड है ना एनिमी है, वो तो सिर्फ लोग हैं, दैट्स ऑल. मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर. सो मिस्टर लैम बोल रहे पीपल नेवर, दे आर जस्ट नथिंग, आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है, या तो वो फ्रेंड होंगे, या आप उनको पसंद करते होंगे, या वो एनिमी होंगे, कुछ तो रिश्ता होगा आपका उनके साथ. डैडी, देयर आर सम पीपल आई हेट. सो डैडी बोलते कई लोग हैं जिनको तो मैं बड़ा हेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ. मिस्टर लैम, दैट्स डू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस. सो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यही तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को हेट करते हो, तुम्हारे मन में लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई है, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुमसे भागते हैं, और ये जो नफरत है ये तुम्हें अंदर से जला रही है. अभी तो सिर्फ तुम्हारा फेस ही बर्नड है जो कि बाहरी रूप से है, लेकिन ये जो तुमने अंदर अपने नफरत बोई हुई है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इवन तुम्हारे एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक. डैडी, ओनली लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लैग, दिस वर्स्ट थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड. सो लव, वो बोलते हैं कि जिस तरह मेरा जो पैर है मिस्टर लैम का, वो किसी बॉम्ब ब्लास्टिंग में उड़ गया था, तो इससे ज़्यादा और भी कुछ गलत हो सकता था. तो मैं अगर मतलब लोगों के प्रति इतना ज़्यादा भेदभाव रखूँगा और लोगों को पसंद नहीं करूँगा, तो ये जो तुम्हारी जो थिंकिंग है ना डायरी, वो तुम्हें अंदर से जला रही है, सिर्फ तुम्हारा फेस बाहर से जला हुआ है, लेकिन तुम्हारी जो नेगेटिविटी है ना, वो तुम्हें अंदर से जला रही है. सो यू शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स पीपल, यू शुड मीट दैम. तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते या तुमसे भागते होंगे? तुम खुद ही नहीं मिक्स होना चाहते. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.